नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। के पाठक के मुद्दे पर विधानसभा में लगातार हंगामा जारी, सदन में गर्माहट चल रही है। दरअसल टाइमिंग को लेकर, स्कूल के टाइमिंग को लेकर पेच फंस रहा है। तो वहीं विपक्ष के विधायकों का ये भी कहना है कि टीचर्स को अपमानित किया जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। चूंकि उनके उनकी एक आदत में शुमार रहा है, जो शिक्षा विभाग पर के विभिन्न मामले पर सवाल उठा रहे हैं, और उनका मूल उद्देश्य दूसरा है। उनका मूल उद्देश्य है कि सदन में व्यवधान स्थापित करना, इसलिए उनको इससे कोई रुचि नहीं रही है। जब सरकार बनाने का मौका मिला था तो रामायणे पर रह गए, और जब सरकार से हटे तो व्यक्ति को केंद्रित कर रहे हैं। अरे, जो आदेश मुख्यमंत्री जी का है वही मान्य होगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि सदन में उन्होंने घोषणा जो किया सदन की अवमानना है, और वैसे पदाधिकारी को निश्चित रूप से कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए, और वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री विहीन ये विहार है, और मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखा आपने के पाठक के मुद्दे पर किस कदर बयानबाजी हो रही है। तो चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरएलजेपी प्रवक्ता विनीत सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, शिक्षक नेता जयप्रकाश सिंह जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, विधानसभा में के पाठक के मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, जब से सरकार बनी है निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उनको एक मौका चाहिए था, एक मुद्दा चाहिए था, और के पाठक के रूप में उनको एक नया मुद्दा मिल गया है जो लगातार उस पर हंगामा भी सदन के अंदर हो रहा है, सदन के बाहर भी हो रहा है। जो कंट्रोवर्सी है, या यूं कहें कि जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको निश्चित रूप से विपक्ष जो है एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि सारे जो शिक्षक हैं उनकी जो मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि स्कूल की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 4 बजे तक रहेगी, और जो सारे शिक्षक हैं वो 15 मिनट पहले आएंगे, मतलब बच्चों से 15 मिनट पहले आएंगे। उनका कहने का मतलब था मुख्यमंत्री का कि 9:45 तक टीचर आ जाएंगे, 10 बजे से पढ़ाई शुरू होगी, और 4 बजे जब बच्चों की पढ़ाई छुट्टी हो जाएगी तो 4:15 तक जो टीचर हैं वो अपने घर चले जाएंगे। उसके बावजूद जो के पाठक हैं उन्होंने जो आदेश पहले जारी किया था उसी को उन्होंने रिपीट किया कि यानी जो शिक्षक हैं वो 9 बजे आएंगे और शाम में 5 बजे तक जाएंगे। तो इसी बात को लेकर निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को। उनका कहना है कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जो सदन के अंदर बोल रहे हैं या शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं उनकी बातों को गंभीरता से उनके अधिकारी नहीं ले रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर 3-4 दिनों से सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल सारिका जी, विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? सारिका जी म्यूट पे है। सॉरी सभा जी, देखिए आज हम विपक्ष में हैं, और इसके पहले हम पक्ष में थे, और जब हम महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षकों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम किए गए, और लगातार हम शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र भी बांट रहे थे, साथ ही साथ स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे बच्चे समय से पहुंचे, कैसे शिक्षक समय से पहुंचे, मतलब शिक्षा का स्तर सुधारने की जो भी कोशिश और पहल होनी थी वो की जा रही थी जब हम पक्ष में थे तब। अभी हम विपक्ष में हैं और हमारी अभी भी यही सोच है, क्योंकि देखिए शिक्षा वो क्षेत्र है ना जहाँ पूरे जो अपने प्रदेश के बच्चों का भविष्य जो है ना वो वहां से शुरुआत होती है, यानी कि प्रदेश के बच्चों की एक कहते हैं एक वो संस्था, वो जगह है जहाँ से उनका भविष्य बिल्डअप होता है। तो मुझे लगता है
कि जब तक एक अच्छी शिक्षा प्रणाली हम डेवलप नहीं करेंगे अपने स्टेट में, हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे उनको, और हम फिर अदर राज्यों से हम पीछे पिछड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा हमेशा से प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे रही है, और हम हमेशा ईमानदारी पूर्वक हमने काम भी किया है सत्ता पक्ष में रहते हुए। 17 महीने के कार्यकाल में जो भी काम थे, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो, या नियुक्ति पत्र बांटने की बात हो, या अन्य जो भी हो। देखिए अभी एक मामला जो अभी लगातार हम सरकार में थे हम तो भी ये मामला था, और अंदरूनी तौर पे इन तमाम चीजों पे बात भी हो रही थी, हमारे ओर से लगातार पहल की जा रही थी, लेकिन सब जानते हैं कि जो विवाद चल रहा था के पाठक और शिक्षा मंत्री को लेकर के, सब जान रहे थे कि के पाठक जो है वो सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनको पीछे एक संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण की वो मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी बात सुनने से वो इनकार कर रहे थे, और आज तो वो सार्वजनिक हो गया, आज तो पब्लिक डोमेन में वो बात आ गया कि किस तरीके से के पाठक जी जब प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री जी की ही बातों को नहीं मान रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वो अपने मंत्रियों की या अन्य किसी की बातों को कितना ही वैल्यू दिया करते होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुझे ये लगता है कि भाई के पाठक जी एक सचिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, एक तरफ जहां सदन में मुख्यमंत्री जी कोई आदेश को पुनः रिवाइज करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगले दिन के पाठक जी प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, पीसी करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं जो निर्धारित समय तय था उसी निर्धारित समय में ही शिक्षकों को आना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि ठीक है, बढ़िया है, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अगर कठोर से कठोर भी अगर कोई काम करना पड़े या निर्णय लेना पड़े तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर वही चीज, अगर वही आपकी कठोर निर्णय जो है वो अगर शिक्षकों के मनोबल पे या उनके मोराल को डाउन करने के लिए लिया जाता है, तो मुझे लगता है कहीं से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छे काम को अच्छे प्रक्रिया से ही की जाए तो मुझे लगता है वो अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। और देखिए सभा जी, एक बहुत सारे ये शिक्षकों की जो एक ट्रांसफर पॉलिसी, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी है उस विषय पे, इस विषय पे भी हमारी लगातार बात हो रही थी, हमारे सरकार की तरफ से पहल हो रही थी, लिखित इस चीज को दी भी गई थी कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कई लगभग 48% महिलाओं ने एज अ शिक्षिका ज्वाइन किया था, जो जिनमें से कि लड़कियां जो कुंवारी भी हैं, वैसे भी जो शादीशुदा हैं, और उनको अपने घर से बहुत दूर उनको जाकर के विद्यालय में उनकी पोस्टिंग हुई थी, जिसके कारण से उन्हें कई तरह की समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है। तो एक ये भी चीजें हैं जिसको कि लगातार हमें शिकायत सुनने को मिल रही थी उन लोगों की तरफ से, और इसकी भी पहल हमारे सरकार के समय की गई थी, जिसको कि के पाठक ने बड़े कठोरता पूर्वक इसको उन्होंने इनकार किया। और आज जो हम लोग खेल देख रहे हैं, चाहे सदन में हो चाहे मंत्रालय में, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और के पाठक जी की मिली भगत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि मैं बोलूंगा सदन में, तुम मानना मत उसको, तुम्हें जो मन करना होगा करना, क्योंकि यही ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या सारिका जी, ऐसा प्रैक्टिकल संभव है क्या कि मुख्यमंत्री किसी अधिकारी को ये बोलेगा कि मैं सदन में जो भी बोलूंगा तुम उसकी बातों को पर ध्यान मत देना, तुमको तुम वही करना जो तुमको करना है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में सौरभ जी वो देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अब विश्वसनीयता कुछ रह नहीं गई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं के पाठक जी को उनको मना करके, और ना जाने किन विषयों पे वो उन्हें उनको उन्होंने राजी किया होगा, वो वापस लेके आए हैं। तो अब अगर वाकई में मुख्यमंत्री जी चाहते कि जो निर्णय के पाठक जी ने लिया है उसे बदलना है, तो क्या सौरभ जी ये संभव था कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी कोई सचिव जो है उस बात को अवहेलना करे? तो ये तमाम चीजें जो है ना हमारे बीच में जो है ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं के पाठक जी को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वाकई में मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ये निर्णय जो है बदलना चाहिए, तो इसकी पहल होती, और पहल अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से होती तो मुझे लगता है कि आज हम इन विषयों पे बैठ डिबेट नहीं कर रहे होते, सकारात्मक तरीके से मुझे लगता है ये काम कब का हो चुका होता। तो सौरभ, ऐसे कई हैं हम लोगों के, पब्लिक डोमेन में भी है, टीचर्स भी जान रहे हैं तमाम चीजें, तो ये मुझे लगता है। चलिए बाकियों के पास भी चलते हैं काफी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीयूष शर्मा जी। जी जी जी, ये कम्युनिकेशन गैप कहां से हो रहा है सर? मुख्यमंत्री कुछ और कर रहे हैं, आपके अधिकारी कुछ और कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप है या फिर
सच में आपके अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं या आपके शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं? सौरभ जी, आप सभी जानते हैं संसदीय लोकतंत्र में विधायिका सबसे सर्वोच्च कड़ी होती है और विधायिका के प्रत्येक निर्देश को, उनके द्वारा किए गए आदेश को, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को मानना कार्यपालिका का नियम होता है, उनका धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है और उन प्रत्येक आदेशों को निर्देशों को मानना उनका कार्य होता है। और जब सदन में मुख्यमंत्री जी विधायकों की आवाज पर, विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, जब मुख्यमंत्री जी ने सदन को यह बताने का काम किया कि विद्यालय कार्य 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, तो विपक्ष के नेताओं को इस पर अब आवाज नहीं उठाने की आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल जो, तो आपके आपके अधिकारी क्यों बार बार बोल रहे हैं कि आपको 9 बजे आना पड़ेगा, 5 बजे आप जाएंगे, 9 से 5 बजे तक का आपका समय होगा, शिक्षकों को बार बार क्यों बोल रहे हैं? सौरभ जी, मैंने पहले बताया ना कि विधायिका सर्वोपरि है। विधायिका सर्वोपरि है, नहीं है वो आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन आपकी आप ही के अधिकारी नहीं मान रहे हैं ना? क्या है सौरभ जी कि राष्ट्रीय जनता दल को तो जब 17 महीने इनके शासन काल, सर आरजेडी की बात मत कीजिए, आरजेडी की बात मत, नहीं आप अपने अधिकारी की बात कीजिए ना, आरजेडी की बात मत कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा सदन के अंदर एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार अपनी बातों को रखा, शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने कई बार अपनी बातों को रखा, उसके बावजूद अगर आपके अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो इसमें आरजेडी क्या करेगी? उसका जवाब, एक मिनट सौरभ, इसका जवाब मैं बता देता हूं। क्योंकि अभी सारिका पासवान जी, सम्मानित सारिका पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो बता रहे थी, 1 मिनट 30 सेकंड में इनकी बातों का जवाब दे दूं। 17 महीने राष्ट्रीय जनता दल के पास शिक्षा विभाग था और जब यही के पाठक द्वारा 30 सेकंड जब यही के पाठक जी द्वारा 1 से 1 तुगलकी फरमान जारी करने का काम किया जाता था तो के पाठक सही थे। और आज 15 दिनों में के पाठक इतने बुरे हो गए, फिर भी जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने का काम किया है सदन में, तकनीकी कुछ दिक्कतें परेशानियां आ रही है, तकनीकी परेशानियां है कि बिहार, चलिए ठीक है, समझ गए आपने बोला कि तकनीकी कारण है, आपने बोल दिया, अपनी बातों को रख दिया, और भी कई लोग हैं उनके पास भी जाना है। अरे सर, आपने बोल दिया ना, दूसरे के पास भी तो जाने दीजिए, आपने बोल दिया तकनीकी कारण, हम समझ गए आपकी बातों को, यहाँ यहाँ सर अपनी बातों को रखना ही है ना, कारण आपने रख दिया, हो गई है, आप दूसरे के पास आते हैं। सौरभ कुमार हमारे साथ है, सौरभ जी आपको लगता है कि मैं समझ गया सर आपकी बातों को, समझ गया, इतनी देर से आप ही को सुन रहा था मैं। सौरभ जी आपको लगता है कि बीच में कुछ तकनीकी कारण है, उसकी वजह से मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, या सच में जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं? आप म्यूट पे हैं सौरभ कुमार, सौरभ जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सौरभ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जी। नमस्कार सर। जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम कहां से हो रहा है? बता रहा हूं सर, पीयूष सर के साथ आज से 3 दिन पहले हम लोग एक चैनल पर और बैठे हुए थे, वहां भी ये बातें हो रही थी। सर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जो सवाल पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है मिस कम्युनिकेशन कहां हो रहा है, सच में अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या मतलब किन वजह से ऐसा हो रहा है? सर उसी बात पर आ रहे हैं सर, ये मिस कम्युनिकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, ये 15 फरवरी से ही शुरू हुआ है। 15 फरवरी को उप मुख्यमंत्री के साथ जब शिक्षक संघों की वार्ता हुई थी तो वहां उन्होंने कहा था कि आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया जाएगा, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद आज तक उस पर कोई पहल नहीं हुई, वार्ता नहीं हुई। दूसरी, तीसरा दिन है आज सदन में मुख्यमंत्री जी के बोले हुए,
फिर भी आधिकारिक स्तर से कोई पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो अब ये मान कर चल रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों में, मुख्यमंत्री जी का भी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि सदन में बोले हुए 3 दिन हो गया, उप मुख्यमंत्री जी का शिक्षक संगठनों से वार्ता किए हुए 8 दिन हो गया, परंतु अभी तक कोई फलाफल नहीं निकला है और मैटर था स्थानांतरण नहीं हो, हम लोगों को पुरानी वेतन मान दिया जाओ, अभी तक हम लोग वहीं पर अटके हुए हैं कि स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, स्कूल 9 बजे से 4 बजे तक चलेगा कि 5 बजे तक चलेगा, ये मैटर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने किया उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा है उससे तो भटक जा रहा है सारा मुद्दा केवल स्कूल संचालन को लेकर। हमारी मुख्य मुद्दा है कि स्थानांतरण ऐच्छिक हो, वेतनमान मिले, सक्षमता परीक्षा लिए बिना ही हमें राजकर्मी बनाया जाए, तो उन मुद्दों पर तो बहुत ही नहीं हो रही है, केवल बहुत हो रही है कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा कि 9 से 5 चलेगा, वो तो मुख्यमंत्री बोल दिए उसका हम लोग धन्यवाद करते हैं, स्कूल 9 से 5 चले या 10 से 4 चले ये बात नहीं है, बाकी जो मुद्दे उस पर भी तो चर्चा हो। जी बिल्कुल, विनीत जी आपके पास आते हैं, आप एक नेता के साथ साथ मुझे लगता है कि एक अच्छे शिक्षक भी हैं और कॉलेज में आप पढ़ाते भी हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले में आपको क्या लग रहा है, ये जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है या सच में जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? सौरभ भाई सभी को नमस्कार, और सभा जी मैं आरएलजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं लोजपा रामविलास का प्रवक्ता हूं, और मालूम है सौरभ भाई सबसे, कोई बात नहीं, सबसे आखिरी में मौका मिलता है तो इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो सबकी बात आप सुन लेते हैं और आप फिर जो है कंक्लूसिव बात करते हैं, लेकिन एक घाटा ये भी है कि फिर आपके पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि सब बात नहीं आपके पास होगा, मुझे पता है, मुझे पता है आपके पास जरूर होगा, ज्ञान का भंडार है आपके पास, तो जरूर आपके पोटली में अभी भी काफी कुछ बचा हुआ होगा जिसका जिक्र अभी तक इस मंच पे नहीं हुआ है। सर भाई शुक्रिया आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अपनी बात कहूं, मैं एक बात सारिका जी से कहना चाहूंगा कि राजद के नेताओं को ये बात कहना बंद कर देना चाहिए कि हमने नौकरी दिया था, सरकार के ही जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो मुख्यमंत्री को ही क्रेडिट मिलता है, आपके पास जो विभाग था वो कुछ और काम कर रहे थे। अब आते हैं सवाल पे, देखिए सौरभ भाई ये बात तो है कि बिहार का जो भी शिक्षा व्यवस्था रहा है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या हायर हो, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, तो अगर के पाठक साहब कुछ कड़े नियम बना के कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार ऑफिसर है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत करना चाहिए। बट हैविंग सेड दिस थिंग, कभी कभी क्या होता है कि के पाठक साहब थोड़ा सा ओवरबोर्ड चल जाते हैं। मैं प्रोफेसर हूं और मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई एक बड़ा अप्राकृतिक चीज है, जिसको अननेचुरल चीज कहा जाता है, उसमें शिक्षक को पढ़ाना होता है ऐसे चीज जिसको कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, और ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो दो भाई शिक्षक भाई बैठे हुए हैं वो भी समझेंगे इस बात को, 60 बच्चे 40 बच्चे बैठे हुए हैं उनको समझाना है जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी अगर आप शिक्षक को इतना प्रेशराइज कीजिएगा, इतना ड्यूरेस एक वर्ड होता है, उतना आप उनको प्रेशर में डालिएगा तो शिक्षक जो है डर के काम नहीं कर पाता है, ये चीज जो है खुशी खुशी किया जाता है भाई, 9 से 5 8 घंटा हो जाता है, उसकी भी जिंदगी है, उसके भी बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा है उस पे के पाठक साहब या शिक्षा विभाग को जो है अमल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि हो ना हो एक आध दिन के अंदर में ये चीज जो है बिल्कुल रूल में आ जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सौरभ भाई कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेटिव के अंतर्गत ही आता है, तो आप कुछ भी कर लें, आप कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं तो आप जो विधायिका से अलग नहीं हो सकते हैं, तो यकीन मानिए एक आध दिन की बात है, ये चीजें मान्य होंगी, 10 से 4 ही शिक्षा का या शिक्षकों का ड्यूटी रहेगा। चलिए सौरभ कुमार आवाज मिल रही है आपको? सौरभ जी आपको आवाज मिल रही है? सौरभ जी आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही। चलिए पीयूष जी उस समय भी आप अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाए थे, मैं ये कह रहा हूं कि जब अधिकारी को अगर बात मानना ही है तो ये 2-3 दिनों का जो वक्त लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर 2 दिन पहले बोल दिया कि स्कूल का टाइमिंग 10 से लेकर 4 बजे तक होगा तो बस अगले दिन लेटर जारी कर देना चाहिए। सौरभ जी मैं बता देना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया कि 10 बजे से शिक्षण कार्य विद्यालय 4 बजे तक रहेंगे, वही आदेश निर्गत करना होगा के पाठक जी को। मैंने तकनीकी एक शब्द का इस्तेमाल किया,
परेशानियां थोड़ी सी हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में आदरणीय उप मुख्यमंत्री मतलब सरकार द्वारा एक इतना बड़ा निर्णय है जिसको जारी करने के लिए अब सदन का इंतजार करना पड़ेगा कि बजट सत्र कब खत्म होगा, उसके बाद एक लेटर जारी होगा कि स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक होगी। दिक्कत है सर, सुनिए 10 सेकंड मात्र दीजिए समय ना हमको, 10 सेकंड में मैं अपनी बात को पूरा कर दूंगा। एक दक्ष योजना है जो चार जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट में काफी रुपए का प्रावधान किया है, वह योजना 4 बजे के बाद सरकारी विद्यालयों में करने की योजना है और राज्य सरकार ने उस योजना पर काफी बजट का प्रावधान किया है, पहली योजना। और दूसरी जो योजना है वह 4 बजे से 5 बजे तक 9वीं और 11वीं के छात्रों को विशेष सत्र में पढ़ाई शिक्षण कार्य की योजना थी। ये दोनों योजना का शुभारंभ हुआ है और यही तकनीकी परेशानियां आ रही है कि जब 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय कार्य चलेगा और 10 बजे से 4 बजे 4 बजे के बाद विद्यालय कार्य बंद हो जाएगा, शिक्षण कार्य बंद हो जाएगा, तो ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस पर सरकार ने करोड़ों रुपए आवंटित किए हैं इस बजट सत्र में, उसको समय कहां दिया जाएगा, यही तकनीकी परेशानियां हैं। बाकी मैं साफ कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए हैं और सभी यहाँ नेता सभी प्रवक्ता सभी पक्ष विपक्ष सभी दल के लोग बैठे हुए हैं। के पाठक ही नहीं, सरकार का कोई भी कार्यपालिका विधायिका के बातों को अच्छा सह मानना उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। के पाठक ही क्यों ना हो, के पाठक से भी बड़ा कोई अधिकारी होगा, वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के, विजय सिन्हा जी के, सदन के सभी सदस्यों की बातों कार्यपालिका के बातों को विधायिका की बातों को मानना कार्यपालिका। मैं समझ गया पीयूषी, चलिए पीयूषी एक बात बताइए, आप जिस सरकारी योजना का जिक्र कर रहे हैं इसकी जानकारी तो मुख्यमंत्री को भी है, इसकी जानकारी तो आपके शिक्षा मंत्री को भी है, तो उसके बावजूद वो बार बार क्यों बोल रहे हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल बंद हो जाएगी। अगर योजना उन्होंने लाई है, अगर सरकार ने लाई है, तो उस योजना का ख्याल रखना भी तो सरकार का काम है। सौरभ जी एक सेकंड, 10 सेकंड में, आपने पूर्व से देखा होगा कि विद्यालय कार्य कोई नया नियम नहीं है, 10 बजे से 4 बजे ही विद्यालय शिक्षण कार्य चलते हैं। पहले के भी शिक्षक, देखिए शिक्षक को गुरु कहा जाता है और तो भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षकों का बहुत सम्मान करती है। आपने देखा होगा कि इन शिक्षकों के चलते, इन शिक्षकों के महत्वपूर्ण मुद्दे के चलते भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर लाठियां चली, विजय सिन्हा जी पर लाठियां चली, हमें आंसू गैस के गोले खाए, दौड़ा दौड़ा कर हम लोगों को पुलिस द्वारा तो आज दे दीजिए ना, आज दे दीजिए ना पीयूषी, आज नियोजित शिक्षकों को उनका अधिकार दे दीजिए ना, आप सही बोल रहे हैं। मैं भी उस प्रदर्शन में था। आप लोगों ने नियोजित शिक्षकों के समर्थन में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, लाठी चार्ज हुई थी, एक आपके कार्यकर्ता शहीद भी हुए थे। नहीं मुझे पता है, लेकिन आज आप पीयूष जी आप सरकार में हैं, अब आप उनकी बात मान लीजिए ना, अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जा दे दीजिए, अब कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल, नियोजित शिक्षकों को नौकरी देने का काम एनडीए के शासन काल में हुआ है। अरे मैं बोल रहा हूँ उनकी जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए ना, जिस मांग को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे थे, आप लोग ने लाठी खाई थी, उस मांग को अब पूरा कर दीजिए ना, अब तो आप सरकार में हैं। इसी मांग को नहीं, शिक्षकों की जो भी जायज मांगे होगी वह एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनकी एक एक जरूरी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से, चलिए ठीक है सारिका जी, काम करता हूँ। सारिका जी आपने सुना, कुछ टेक्निकल रीजन है कारण सरकार की दो योजनाएं जो है वो फिर कब पूरा होगा, अगर 10 बजे से 4 बजे तक ही स्कूल चलेगी
तो सरकार की जो दो योजना है वो कब पूरा होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, इसी कंफ्यूजन में अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। देखिए सौरभ जी, जिस टेक्निकल कारणों का जिक्र पीयूष शर्मा जी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात कही, समय के बदलाव की बात उन्होंने कही। देखिए पीयूष शर्मा जी की मैं समझ सकती हूँ, ये टेक्निकल बात नहीं होगी, कोई और टेक्निकल कारण होगा जिसका कि वो उल्लेख जो है ना वो लाइव डिबेट्स में नहीं करना चाहते, वरना पोल खुल जाएगी ना इनकी। और जिन शिक्षकों के लिए लाठी डंडे और शहादत की बात ये कर रहे हैं, आज सत्ता में आने के साथ ही उन्हीं शिक्षकों की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों पे आप लाठियां बरसा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ही उन्हीं शिक्षकों पे लाठियां बरसाई गई। तो भाई ये कैसा न्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है शिक्षकों के साथ कि विपक्ष में आप रहते हैं तो अपनी रोटी चमकाने के लिए आप शिक्षकों के नाम पे आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लाठी भी आपने अपने किसी ना किसी कुकृत की वजह से ही खाई होगी, शिक्षकों के लिए तो आपने खाई नहीं। दूसरी बात, जयप्रकाश सिंह जी ने अभी सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के टाइमिंग, स्कूल आने के टाइमिंग पे नहीं, उन्होंने और भी दो बातें उसके साथ जोड़ के रखी थी जिसका जिक्र मैंने भी किया था उनके बोलने से पहले। मैंने कहा था जो स्थानांतरण पॉलिसी है उसको चेंजेस करने के लिए, और साथ ही साथ इसके साथ भी कई डिमांड जो थी लगातार शिक्षक जो है कर रहे थे, और वो उस समय से कर रहे थे जब से हम सरकार के हिस्सा थे। और मैं सौरभ जी अपने एक जिम्मेदार संगठन के एक कार्यकर्ता और के रूप में आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमारी सरकार इन तमाम विषयों पे बात कर रही थी, और जो भी विवाद देखा आपने शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में उस समय था, उन विवादों के पीछे वजह यही रही थी क्योंकि के पाठक जी का जो एक अड़ियल रवैया है और एक कहते हैं डिक्टेटरशिप की वो जो एक उनके काम करने का तरीका है, उन्होंने जो कह दिया उन्हें लगता है कि वो एकदम पत्थर की लकीर है, अब उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 दिन हो गए घोषणा के बावजूद भी अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सत्र खत्म होगा, सत्र के बाद पता चलेगा, ये लोग लोकसभा के चुनाव में ये लोग बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। तो ये सब जो भी चीजें हो रही है सौरभ जी, ये बात टालने के लिए हो रही है। अगर वाकई में पीयूष शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि शिक्षकों के संदर्भ में कोई, देखिए हम कल भी, मैं फिर से आपके समक्ष बोलना चाहूंगी सौरभ जी, जब हम सत्ता पक्ष में थे तो भी और आज भी जब हम विपक्ष में है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है शिक्षा, और अगर शिक्षकों के हित में और अगर छात्रों के हित में अगर कोई सरकार, चाहे हमारी सरकार हो या अभी वर्तमान सरकार है, कोई पक्ष में अगर निर्णय लेती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि बात ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो कहीं भी हम, और देखिए ये लोग जब हमारी सरकार थी और तब के पाठक जी जब इस तरह के फरमान जारी करते थे, तो यही विनीत जी, पीयूष जी जो है ये जो कहते हैं विधवा विलाप किया करते थे कि भाई के पाठक तो बहुत मनमर्जी कर रहे हैं, हिंदुओं के त्योहारों को मार रहे हैं, और ना जाने अनाप शनाप बहुत सारे इन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाया था। तो अब जब आप सरकार में हैं तो क्यों नहीं आप नियंत्रित कर पा रहे हैं भाई उनके आदेशों को, क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी एक सचिव जो है अवहेलना कर रहा है? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है सौरभ जी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार, और वैसे तो 17-18 सालों से हम ये बात कह रहे थे कि बिहार में जो कहते हैं अफसरशाही चरम सीमा पे है, और अब जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है कि अफसरशाही इतना हावी हो गया है कि मुख्यमंत्री जी की बातों को भी टाल रहा है, तो मुझे लगता है ये अफसोसजनक है और चिंताजनक भी है। ये चिंता का विषय है कि क्यों और क्या एक मुख्यमंत्री जी की बातों को भी एक अफसर जो है मान नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब जो कहते हैं तख्त पे तो बैठे जरूर हैं, लेकिन उनकी ताकतें और उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है ना वो समाप्त हो गई है। ठीक है, जयप्रकाश जी। सर, पीयूष सर बोले कि टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल इशू था तो विधानसभा में जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधानसभा में जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप विद्यालय 10 से 4 चलेगा, उसी दिन शाम में VC के माध्यम से सबको सूचित किया गया जिलों में कि आप विद्यालय किसी भी कीमत पर शिक्षकों को 9 बजे लाएंगे और 5 बजे छोड़ेंगे, उसी दिन बोला गया शाम में। यदि टेक्निकल इशू था तो ये भी बात नहीं बोला जाता, यथा स्थिति बनाए रखी जाती। दूसरा चीज, दक्ष क्लास है तो दक्ष क्लास 3 से 4 चलाया जा सकता है, और उस वीसी में ये भी बोला जा रहा है, वीसी को देख लीजिए कि 9 से 10 रहेगा लोग विद्यालय में, कुछ भी नहीं करेगा लोग, सफाई करवाएगा लोग, लेकिन विद्यालय में रहेगा लोग। तो विद्यालय में केवल इसलिए बुलाया जाए कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो, तो ये भी तो अपने आप में विचित्र चीज है। दूसरा, दक्ष क्लास वाला कोई बड़ा इशू नहीं, अगर ऐसा था तो उस दिन पत्र ही नहीं निकालना चाहिए था, कहा जाता कि अभी कुछ टेक्निकल मामला है, हम इसको बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। दक्ष क्लास तो 3 से 4 भी चल सकता है, जब 10 से 4 मुख्यमंत्री जी ने बोला
और अगर ऐसी बात है तो उसे सार्वजनिक कहा जाए, हम लोग 10 से 5 भी रहेंगे, उसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह दे हम लोग वहां भी रहने के लिए तैयार है, लेकिन सदन में बोलने के बावजूद भोजपुर जिला में चल रहा होगा, भोजपुर जिला में मुख्यमंत्री की बातों को मानकर कुछ शिक्षक 10 बजे विद्यालय गए तो उनका 9:05 में ही वहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंच के हाजिरी काट दिए। यानी अब जिले स्तर के पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री जी की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिए, तो ये तो अपने आप में सर खुद हास्यपद बन रहा है। और हम लोग असमंजस में है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी का बात सुने या विभाग का बात सुने, एक स्थिति हमारे यहाँ भी आ गई है ऐसी। चलिए पीयूष जी बता दीजिए किसकी बात को सुना जाए, डीओ की बात सुना जाए या फिर मुख्यमंत्री की बात सुना जाए या फिर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी बात सुना जाए। जयप्रकाश जी 1-2 दिनों का समय दीजिए, सारी तैयारियां चल रही हैं, जो भी आपकी जायज मांगे होगी। देखिए क्या है कि 10 बजे से 4 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहने का काम किया कि 10 से 4 विद्यालय कार्य चलेंगे, पहले की यह परंपरा रही है। देखिए शिक्षक जो है 15 मिनट आधे घंटे पहले जाते हैं, पहले की भी परंपरा रही है कि शिक्षक शिक्षण कार्य शुरुआत के पहले आधे घंटे पहले अपने विद्यालय में जाते हैं, प्रार्थना करवाने का काम करते हैं, कुछ शारीरिक फिजिकल क्रियाकलापें होती है। तो ये नहीं है मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 से 4, अब उन्होंने कहा है कि 4 बजे स्कूल बंद होगा और 4:15 में शिक्षकों को विद्यालय का छोड़ करके अपने घर की ओर जाना होगा और यही पत्र निर्गत होगा। जय प्रकाश जी आपको दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ 1-2 दिन का समय का इंतजार कीजिए। विपक्ष के हल्ला करने से शोरगुल करने से कुछ नहीं होने जाना है। सरकार आप लोगों के प्रति संवेदनशील है, भारतीय जनता पार्टी को और संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी आपकी एक एक मांगों को जो भी जरूरत मांगे हैं उनको समय रहते समय पर पूरा करवाने का काम करेगी। अभी सरकार के जब फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण हुआ है, उस बहुमत परीक्षण में हम सफल हुए हैं। अभी सरकार के गठन हुए, सरकार बहुमत परीक्षण के बाद 10 से 12 दिन का हमें समय मिला है, बजट सत्र चल रहा है, सरकार के जो भी नामुंदे माननीय मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री हैं वो बजट सत्र में परेशान है, विधानसभा में सवालों का जवाब देने में परेशान है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, कई सारे विभाग के कार्य है। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी लगातार मुख्यमंत्री जी से संपर्क में है और मुख्यमंत्री जी से संपर्क में बातचीत जारी है और के पाठक का तुगलकी फरमान अब नहीं चलेगा, मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ के पाठक एक ईमानदार पदाधिकारी है, उसमें कतई शक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है इसमें भी कतई शक नहीं है। के पाठक पर थोड़ा सा रहम करने का काम है, समय आएगा तो के पाठक पर भी फैसला हो जाएगा। चलिए विनीत जी, समय आएगा के पाठक पर भी फैसला हो जाएगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल सर किसी पर फैसला हो या ना हो, लेकिन एनजीओ के माध्यम से जो स्कूलों में बेंच और ये जो भेजवाया जा रहा है बर्तन, उस पर भी थोड़ा सा जांच करा लिया जाता तो अच्छा होता। बिल्कुल ठीक है जयप्रकाश जी, जो बेंच बर्तन जो खरीदे गए हैं बहुत जगहों से, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल 17 महीनों के शासन काल में बहुत सी शिकायतें हम लोगों के पास आ रही है और एक एक शिकायतों को जो शिक्षा पदाधिकारी द्वारा घपले करने, घोटाला करने, भ्रष्टाचार करने का काम किया गया, कई जिलों से शिकायत आई है। बिल्कुल आपका सही कहना है, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, शिक्षकों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत जिलों से हम लोगों के पास भी आवेदन आए हैं कि डीओ साहब के द्वारा क्या क्या किया गया है, उन सबकी जाँच होगी, आप चिंता न करें। धन्यवाद सर। चलिए विनीत जी, संज्ञान में है। सौरभ भाई, सारिका जी के मुख से शिक्षकों के बारे में इतनी सहानुभूति सुन के मुझे थोड़ा घड़ियाली आंसू की याद आ रही है। 17 महीने में चाहते तो बहुत चीजें कर सकते थे, नियोजित शिक्षकों को आप राजकर्मी का दर्जा दे सकते थे, स्थानांतरण का काम कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं है। जो 17 सालों में आप लोगों ने नहीं किया तो वो 17 महीने में तो बहुत सारे काम आरजेडी ने की, महागठबंधन ने की। आप उससे पहले 15 साल भी भूल जाते हैं सौरभ भाई, एक 15 साल मत भूलिए ना, छूट गया होगा वो, आप लोग कर दीजिए, 15 साल मत भूलिए ना सौरभ भाई। चलिए अब आते हैं कि 15 साल पहले आप मैट्रिक पास किए हैं या अभी किए हैं।
सरिका जी क्या है ना कि आप लालू जी के शासनकाल में ही मैट्रिक पास किए होंगे। जी मैम बिल्कुल सही कहा आपने, विनीत सिंह मेरा नाम है, लेकिन डर के मारे विनीत कुमार लिखते थे कि कहीं ऐसा नहीं कि फेल कर दिया जाए हमको। अरे आप पढ़े थे, पढ़े थे तो। और सुनिए ना, इसीलिए डर के भाग गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे तो नंबर आया तब ना गए होंगे, किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में गए होंगे, आप तो यही रह गई होंगी। सारिका जी सुनिए, अब सुनिए तो, अरे हम तो बोरा लेके गए थे मैम, बोरा लेके जाते थे लेकिन वॉइस पे चढ़ के नहीं जाते थे। बता दीजिए ना, शिक्षा को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। सारिका जी सुनिए ना, सारिका जी हमारे मित्र हैं इसलिए इनको बोलने में कुछ अधिकार है। बता दिए ना हमको कि मतलब, अच्छा सुनिए, अच्छा सरोज जी हम बोलने दीजिए। सारिका जी लालू जी के समय में शिक्षा विभाग की अगर ना बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप 17 महीने का उपलब्धि का अगर आप जिक्र करती हैं तो मैं भी साथ देता हूं। मैं भी कहता हूं कि निश्चित रूप से 17 महीने में काफी कुछ काम हुआ है जो पहले 17 सालों में नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि अगर दो चार अरे सर आप बता दीजिए ना, आप लोगों ने 4 लाख नौकरी कब की सर? सत्रह सालों में 4 लाख नौकरी कब दी सर आपने? जाति आधारित गणना कब कराया सर आपने? सुनिए ना, जाति आधारित गणना 2005 के नवंबर, पीयूष जी आपके पास आएंगे, पहले विनीत जी को अपनी बात खत्म करें। 2006 में हमने सरकारी नौकरी शिक्षकों को सर का काम किया सर, सर सर आप विनीत जी को उनकी बात पूरा करने दीजिए। विनीत जी बोलिए। सर भाई आंकड़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी सरिका पासवान जी ने कहा है कि पहले हम लोग बोलते थे कि तुगलकी फरमान, हिंदू की छुट्टियों में कटौती हो तो हम बोलते थे। भाई जो भी शिक्षकों के हित में होगा, विद्यार्थियों के हित में होगा, जो लोक कल्याणकारी चीजें नहीं होंगी उसके लिए आवाज उठाई जाएगी। मैंने कहा कि शिक्षा को इतना भारी मत कीजिए, हल्के माहौल में पढ़िए और पढ़ाइए। इसलिए के पाठक जी को इस बार समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्णय लेके काम नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में चीजें जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सभा, मुझे भी यही लगता है कि मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर के पाठक को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हो रहा, कारण कि अगर अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं तो आपको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर अधिकारी वहां बैठे हुए हैं तो वो मुख्यमंत्री की कृपा से ही बैठे हुए हैं। अगर के पाठक शिक्षा विभाग में गए हैं तो किसी आम जनता ने उनकी पैरवी नहीं की थी, या उनको जो भेजने का काम था वो मुख्यमंत्री ने ही उनको भेजा था। और आज अगर के पाठक का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री सदन के अंदर दिखा रहे हैं तो ये काफी बड़ी बात है कि सदन के अंदर वो कह रहे हैं कि के पाठक एक ईमानदार ऑफिसर है और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, ये बिहार का हर आदमी जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है, हर नेता जानता है कि के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो काम है इसमें कहां, मुझे नहीं लगता कि कहां कम्युनिकेशन गैप हो रहा, कारण उतनी बड़ी बात नहीं है। और ये निश्चित रूप से अगर स्कूल का टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा तो कोई भी शिक्षक 10 बजे नहीं पहुंचेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर वो आधे घंटे पहले जाएंगे और बच्चे आधे घंटे पहले आएंगे तभी जो प्रेयर का होता है या जो भी फिजिकल होता है वो होगा, और 10 बजे से तो उनकी पहली जो क्लास है वो शुरू हो जाएगी जी। तो उनको पहले जाना पड़ेगा। जो स्कूल का टाइमिंग है वो बोलने का भले आप वर्बली बोल सकते हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक का स्कूल का टाइमिंग है, लेकिन सबको पता है कि जो स्कूल की टाइमिंग होती है बच्चे उससे पहले जाते हैं और टीचर बच्चों से भी पहले जाते हैं। तो निश्चित रूप से, और कुछ सरकारी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे थे पीयूष जी, तो अगर सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि अगर आप योजना लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन से टाइम में करना है, वो रात के समय में तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है और उसी में मिस कम्युनिकेशन हो रहा और उसी में विपक्ष जो है इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। सब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
दरअसल विपक्ष के पाठक के मुद्दे को गरमा रहा है। विपक्ष का कहना है कि के पाठक सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं और स्कूल की टाइमिंग को लेकर अभी भी पेच पस्ता नजर आ रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड।